खुद को संत बताने वाले आसाराम बापू की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल आसाराम को शिष्या से गलत काम करने के आरोप में सजा सुनाई गई है। ये मामला 22 साल पुराना है। इस केस में आसाराम के खिलाफ साल 2013 में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें मंगलवार को फैसला सुनाया गया। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही कोर्ट ने इस मामले में अन्य 6 आरोपियों को निर्दोष करार दिया था और आसाराम को दोषी बनाया था। गांधीनगर की सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और आसाराम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। आपको बता दें, आसाराम फिलहाल जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। 22 साल पुराने मामले में फंसे आसाराम को जिस मामले के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वो मामला दरअसल 22 साल पुराना है। आसाराम पर साल 2001 में सूरत स्थित आश्रम में शिष्या के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। इस मामले में साल 2013 में FIR दर्ज कराई गई थी। आसाराम की शिष्या रही पीड़िता ने सिर्फ उनके खिलाफ ही नहीं बल्कि 7 अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि कोर्ट ने बाकी आरोपियों को निर्दोष पाया, जबकि आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सेक्शन 342, 357, 376 और 377 के तहत दोषी करार दिया है। शिकायत के बाद SIT का गठन किया गया, जो इस मामले की जांच कर रही थी। इस पूरे मामले में 101 गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए थे। इस पूरे मामले पर पीड़िता ने बयान देते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया। पीड़ित शिष्या ने कहा था, गुरु पूर्णिमा के दिन आसाराम ने मुझे वक्ता के रूप में चुना था। आसाराम के फार्म हाउस शांति वाटिका में मुझे बुलाया गया। आश्रम का ही एक दूसरा व्यक्ति मुझे आसाराम के पास ले गया था। यहाँ पर पहले मेरे हाथ पैर धोए गए और फिर आसाराम ने मुझसे सिर की मालिश करने को कहा। मालिश करते वक्त ही आसाराम ने गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन आसाराम ने मुझे समर्पण करने को मजबूर किया। इसके बाद आसाराम ने जबरन दुष्कर्म के बाद अप्राकृतिक दुष्कर्म भी किया। आसाराम अब इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगतने को मजबूर होगा। फिलहाल वो जोधपुर की जेल में बंद है। इससे पहले उनको कोर्ट ने 16 साल की बच्ची से रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 80 साल के आसाराम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, इस पर विचार भी चल रहा था, लेकिन अब उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं।